अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी हो रहे हैं 12:15 और सुबह 6 बजे फ्लाइट है। यू नो व्हाई? वो तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि मेरा कॉन्वोकेशन है बेबी, फाइनली गेटिंग पोस्ट ग्रेजुएटेड, ये बोलते ना। सुबह के बज गए, सुबह तो नहीं 2:30, रात और सुबह डिपेंड ऑन आप अपना क्लोथ, समझ रहे हो। चलो तो फिर तैयार होते ना आप तो। ठीक है, ओए कहाँ जा रहे हैं, जल्दी बता, जल्दी बोल कहाँ जा रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। तो अभी फुल तैयारी हो गई है, माँ भी तैयार हो गया और हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए। कॉन्वोकेशन है बेबी। फ्लाइट मिस हो गई। बहुत ज़्यादा फन हो गया, अभी तो हल्का हल्का डिप्रेशन लग रहा है, डिप्रेशन में है सर। अभी बाद में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा ये सब देख के। तो फ्लाइट जो है वो हो गई मिस, और अहमदाबाद के लिए नेक्स्ट कोई फ्लाइट है नहीं, है तो उसमें सीट सारी फुल हैं। और हमने करा तो लिए वैसे, क्योंकि वो जो ब्रॉडर प्लान हैं वो उसमें द्वारका भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ तो दर्शन करने जा ही रहे, सब टिकट्स वगैरह हो रखी, होटल वगैरह हो रखे। तो अभी मतलब तीनों की रात की रीशेड्यूल करा दी है, वो रात में 9 बजे। बट मैं फिर भी अपनी देख रहा हूँ, मतलब बाय एनी चांस अगर कॉन्वोकेशन अटेंड कर लूँ तो फिर मतलब ऐसा लगेगा कि यार वेस्ट नहीं हो गया सब कुछ, देखते हैं। अभी तो टर्मिनल 2 पे तो कोई भी नहीं है और ज़्यादा फ्लाइट उड़ती भी नहीं वहाँ से, गोयर एंड आई थिंक गोयर, क्या बोलते उसको, गो फर्स्ट और इंडिगो ही है उसमें से। टर्मिनल 3 पे जा रहा हूँ फिर भी चेक करने एक बार, अगर कोई टिकट मिलती है तो। ऑनलाइन तो नहीं दिखा रहा है बार बार, मतलब एक फ़्लाइट दिखा भी रहा है पर वो सर्वर बार बार पता नहीं कह रहा है दिस सर्वर इज़ नॉट एलिजिबल, मतलब सर्वर ही एलिजिबल नहीं, तो फिर मैं कहाँ से एलिजिबल हूँ। तो ठीक है फिर, और क्या, तो जो बात है अब यही है यार। माँ क्या हुआ, हो गया, बहुत बहुत बकचोदी हुआ एयरपोर्ट वालों के कारण। और उसके बाद मम्मी पहले तो किसी और पे बोली बोली, फिर मेरे को बहुत डांटा फालतू का। और तू कैसे जा रही है? मैं बाद में आऊंगी 2000 वाली टिकट से। कूल, एक ही दिन में दूसरा एयरपोर्ट। तो ये जो फ्लाइट है ऐसे तो नहीं दिखेगा, दिल्ली टू अहमदाबाद एकलौती फ्लाइट बिजनेस क्लास, काफ़ी मजबूरी में दिल को चीरते हुए ये फैसला लिया गया कि कॉन्वोकेशन मनाया जाएगा और कॉन्वोकेशन में शामिल हुआ जाएगा नो मैटर द कॉस्ट। और दिस इज़ द कॉस्ट, कॉस्ट इज़ 30,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 की टिकट के प्राइसेस है, और वो बाकी होटल वोटल का जो अलग से। तो अभी हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, वो तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल नहीं कर रहा बट हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है, ABCDEFG EFGH, अच्छा आगे, हाँ तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय सारे डिपार्चर हैं, यहाँ तो मतलब 35 kg के नीचे बात ही नहीं होती।
तो हम लोग अभी जा रहे हैं, और मतलब ऐसा रोना तो आ रहा है पर ट्रेजेडी में कॉमेडी है, ट्रेजेडी में कॉमेडी है, अब यही है जीवन। और बाकी मम्मी और प्रियंका दोनों की फ़्लाइट शाम को है, वही सेम मतलब उसको रीशेड्यूल कर दिया था, बट वो हम मेरे साथ नहीं आएंगे, मतलब सैडली मम्मी बहुत दिन से तैयारी कर रही थी बट वो कॉन्वोकेशन में नहीं रह पाएंगी, पर ठीक है मतलब कल कॉलेज दिखा दूँगा उन लोग को, लोगों से मिलवा दूँगा, कल तो घूमेंगे ही अहमदाबाद। ठीक है यार, जीवन में जितना होता है सब हो ही जाता, तो करते हैं फिर और क्या। तो लाइफ में पहली बार एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस बिजनेस क्लास की चेक इन वाली लाइन में, यहाँ कोई है ही नहीं, इस वक्त पैसे ही नहीं है, इस देश में गरीब लोग भरे, और इसमें जो भर रहे हैं मैं बहुत भारी जज कर रहा हूँ भाई, क्या पैसा है भाई, क्या बात है, नहीं मतलब बात तो है, बस कलर वाला फॉन्ट यार इकोनॉमी का बेटर है, पर्पल आई लाइक पर्पल, नॉट दिस येलोइश शिट। फिर भी यार डोमेस्टिक ही रह गया डिपार्चर अपना है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे डोमेस्टिक के आगे भाई, फिर आना चालू हो गया अहमदाबाद का, अरे चालू छे ना क्यों है इतनी मुश्किल जीवन की, यार इतना पैर दर्द कर रहा है, इतना पैर दर्द कर रहा है, सुबह से खड़े हैं यार इस लाइन में, उस लाइन में टिकट मिल जाए वो मिल जाए, फाइनली जा रहे हैं। और ये रहा अपना एयरपोर्ट का व्यू, अभी दिखा दो इन सब से ज़्यादा फन फैक्ट क्या बता, फन फैक्ट ये है कि ये टिकट मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ्लाइट की टिकट होने वाली थी, जिस रास्ते में अभी जा रहा हूँ दिल्ली टू अहमदाबाद, ये टिकट की प्राइस विद टैक्सेस विद कन्वीनियंस चार्जेस सारे चार्जेस पड़ी 1800 की, और उस 1800 पे उस 1800 पे 30,000 इसकी टिकट, 2,000 वो मेरी रीशेड्यूल हुई थी शाम की, तो ये मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव टिकट बन गई फ्लाइट की। तो फनी क्या है, तो ट्रेजेडी है, फनी कुछ नहीं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मस्ती वाली बात ये है कि अपने पास तो ये थी ये बिजनेस वाली टिकट, तो ये दूर से बदल जाती है बिजनेस टिकट, और पर मुंह तो मेरा है नहीं बिजनेस क्लास वाला, बात तो सही है। तो जब मैं वहाँ गया चेक इन काउंटर पे, तो वो जो लड़की थी वो बिजनेस वाले में एकदम खा लेता था, किसी के पास पैसे नहीं, तो वो जब मैं जा रहा था तो ऐसे करती थी बिजनेस क्लास टिकट, वो भी काफ़ी सेटल था, मतलब ठीक है चल ठीक है, नहीं है मुँह यार, मैं भी मानता हूँ नहीं है मुँह बिजनेस क्लास वाला, तो बनता है टोकना थोड़ा सा, हो सकता है भाई भूले भटके आ गया हो, उसको आइडिया नहीं हो कहाँ का है, या अपनी हैसियत नहीं जानता है, अपनी जगह नहीं जानता है ये दुनिया में, हो सकता है उसको लगा हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होता है जब सिक्योरिटी वाला मेरे को ऐसे देखा और ये नहीं बोल रहा कि बिजनेस क्लास सर, कह रहा है ये बिजनेस क्लास की लाइन है, नहीं चल मान ले मेरा मूड नहीं है बिजनेस क्लास वाला, पर मेरा मुँह ऐसा भी नहीं है मेरे को इंग्लिश आ सकती है, मैं पढ़ सकता हूँ भाई कि बिजनेस क्लास की लाइन है वो, मैं पागल थोड़ी हूँ बिजनेस क्लास की लाइन में घुसूँगा इकोनॉमिक टिकट लेकर, मन तो ऐसे था मेरा बहुत, पर मैं पागल थोड़ी हूँ। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही धीरे चलता है, ये अनसेड जो फ़ायदे हैं ना बिजनेस क्लास के कि सारे बैठे हैं और आप पहले एंट्री करो, ये इसी सब के पैसे हैं भाई, ये जो है ना छोटे मोटे ये करके तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे और तुमसे बोलेंगे 2 करोड़ रुपए निकालो 2 करोड़, क्या स्कैम चल रहा है दुनिया में, पर ठीक है भाई जिनके पास पैसा है करो ना, मुझे को नहीं करना थोड़ा।